झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ की एक बैठक टुंडी रोड स्थित मोंगिया स्टील के मुख्य कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया मुख्य अतिथि के रूप में और श्रीमती त्रिलोचन और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से मोंगिया स्टील द्वारा झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ को जमीन स्तर पर सहयोग और विकास के पथ पर ले जाने के लिए समर्पित था, जिसमें झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, महासचिव जयदीप सरकार, कोषाध्यक्ष अभय कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। बाद में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने अपना परिचय दिया और अपने जिले में वॉलीबॉल के विकास के लिए जमीन स्तर पर काम करने की रूपरेखा से अवगत कराया। साथ ही साथ डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के सर्वमान्य आग्रह को स्वीकारते चेयरमैन के पद को संभालने की हामी भरी। आप सभी का मोंगिया स्टील की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी हमारे यहाँ इस समय में भी आप अपना समय निकाल के और काफी दूर दूर से हमारे यहाँ आए, और ये आपकी खेल भावना को दर्शाता है कि आपका खेल के प्रति कितना लगाव है, कितने आप इसके प्रति सीरियस हैं और कितना आप चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में खेल आगे बढ़े। तो आज का दिन एक बेहतरीन दिन है, बेहतरीन शुरुआत के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं कि जो खेल हमेशा से चला आ रहा है हमारे प्रदेश में, उसको हम लोग कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज एक साधारण गति से चलना और उसको हम असाधारण गति की ओर ले जाएं, हम इसको खूब स्पीड बढ़ा करके और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर पाए, इसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और इसके लिए आज आप सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज यहाँ पर आप आए हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ, आज क्रिकेट का इतना बोलबाला है कि सिर्फ लोग क्रिकेट की ओर ही सबसे ज्यादा झुकाव रखते हैं, और उसके बाद अगर कोई खेल हमारी नजर में आता है तो फुटबॉल है, जिसके प्रति आम जन में बहुत झुकाव है। तो कुछ लोग, मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो कि बहुत आगे, सिर्फ क्रिकेट में ही अगर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए तो उन्हें और भी एवेन्यूज, और भी रास्ते, और भी जगह मिलनी चाहिए जिस जगह पर वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें। कार्यक्रम में वॉलीबॉल के दिवंगत खिलाड़ी गी अशोक सिंह के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया और सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि स्वर्गीय अशोक सिंह जामताड़ा में एक नामचीन हस्ती रहे हैं। झारखंड में वॉलीबॉल को बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट।